हम लोग एग्जाम कैसे दिला पाएगा? हाँ, और तेरा एग्जाम कब से है? 13 से। कल से है। जी, आज एडमिट कार्ड बांटने वाला था। जी, अच्छा, कितने बच्चे का एडमिट कार्ड अभी तक? लमसम 250 बच्चे हैं। अभी आप लोग क्या करिएगा? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी गुड़ लगातार समाचार बक्सर से बटू है। अपन भविष्य खतरा में देख, आईटीआई के छात्र जम के कोयले हंगामा, कैमरा पर सवाल पूछला पर भड़क गयी आईटीआई के संचालिका। खबर काबा विस्तार से जानी। खबर बक्सर के सदर प्रखंड से आ रहा बटुए, कहल गई बा कि जब लैकन के लागे लगी कि ओकरी के भविष्य अधर्म बटुए तब कुछ कर गुजरी हसन, ऐसने एगो मामला बक्सर से देखे के मिल। सदर प्रखंड अंतर्गत चुरामनपुर गांव स्थित गजेंद्र आईटीआई के सेंटर पे इतवार के सैकड़ों छात्र जमा हो गए आ एडमिट कार्ड के मांग के लेके जम के बवाल मचेल। ओजे हंगामा के बाद सब छात्र गजेंद्र ह्यूम पाइप आ गजेंद्र आईटीआई के ऑफिस पर जा पहुँचलन, जहाँ डायरेक्टर निमित अखौरी और पंकज सिन्हा आ संचालिका शारदा सिन्हा के द्वारा छात्र के बहरी जाए के बात कहे जात रहे। तबे आक्रोशित छात्र के बुलैला पर मीडिया कर्मी भी पहुँच गए। इस दौरान बवाल के संबंध में सवाल पूछला पर गजेंद्र आईटीआई के संचालिका शारदा सिन्हा मीडियाकर्मी पर भड़क गई आ कैमरा छीने के प्रयास कैली। ओजे शारदा सिन्हा के हरकत कुछ समय खातिर कैमरा में रिकॉर्ड भी हो गई, जरा भोजपुरी समाचार उड़ा के अंत में देखाई। खबर के अंत तक देख और समझ सकीला कि ई स्थिति देखला के बाद खुद बुझा जाए। ओजे छात्र कहलन कि उनका एडमिशन के दौरान परीक्षा के नाम पे आईटीआई प्रबंधक के द्वारा कुल फीस पहले ही जमा करा लिहल गई। ओजे अब सोमवार से जब परीक्षा होके के बाद एडमिट कार्ड के संस्थान पर पहुँचनी जा तो इनका साथे ना इंसाफी करत संस्थान के द्वारा इनका एडमिट कार्ड नहीं खेद जा। छात्र आरोप भी लगेलन कि दू गो भाई के झगड़ा में हमनी के का दोष बा। ओजे मौका पे SDO बक्सर पहुँचनी है। पहुँचला के बाद सरकारी आईटीआई महिला कॉलेज में लोग के वैकल्पिक व्यवस्था कैल गई परीक्षा खातिर, काहे से कि छात्र के भविष्य अधर में ना पड़े के चाही, छात्र के भविष्य के साथे कोनो गड़बड़ी ना होखे के चाही। भारी मात्रा में छात्र पहुँच गए, आरोप लगेलें कि जब जब परीक्षा आवेला तब तब यह खेला चलेला, तब तब हमनी के साथे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होला। दू गो भाई के झगड़ा बात आखिर हमनी के छात्र के एक दोष बटुए, ये आरोप कुछ छात्र लगे हैं, खुद सुनब रौरा सभी भोजपुरिया समाचार देखाई। लेकिन रौरा सभी से भोजपुरिया समाचार निहोरा करला की खबर देखी या देखला के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सबसे पहले खबर के पावे खातिर बेल आइकन के नोटिफिकेशन दबाई। नोटिफिकेशन पहले आई कमेंट करके बताई कि खबर कैसन लागल, अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश में विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार उ सबके गजेंद्र आईटीआई कॉलेज से दिखा रहा बटुए। सुनी यहाँ पर जुटे हैं, क्या कारण है? सर, आज हम लोग का एडमिट कार्ड मिलने वाला है और हम लोग का कल से एग्जाम है, 13 तारीख से हम लोग का एग्जाम है। और जब जब एग्जाम आता है तब तब हमारे आईटीआई के जो टीचर हैं या हमारे संचालक हैं उनको याद पड़ता है कि ताला तोड़ो आ हंगामा करो। तभी बताइए कि इन लोग ये तो फैसला इनको करना चाहिए एग्जाम से पहले कि ताला खोलने के लिए और तोड़ने के लिए। हम लोग जब जब आता है एग्जाम तब तो हम लोग प्रेशर करते हैं कि आप लोग ताला तोड़िए ना तो दीवार तोड़िए। हम ऐसा नौबत क्यों आ रहा है बार बार? इन लोग का आपस में विवाद है दोनों भाई को, और हम लोग का यहाँ पर क्लास चल रहा था, फिर आपस में विवाद हो गया, फिर हम लोग यहाँ से खदेल दिया गया कि आप लोग क्लास नहीं चला गई, आप लोग का आईटीआई नहीं है। अब नीरज जी हम लोग खदेल दिए, हम लोग अपने चले गए। अब यहाँ पर जब एग्जाम का आया तो होम सेंटर है यहीं पे हम लोग का, तो होम सेंटर तो एग्जाम तो यहीं पे होगा, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग एग्जाम आप लोग दिलवाइए यहीं पर। तो हम लोग एग्जाम कैसे दिला पाएगा? और तेरा एग्जाम कब से है? 13 से। कल से है। जी, आज एडमिट कार्ड बांटने वाला था। जी, अच्छा, कितने बच्चे का एडमिट कार्ड अभी तक? लमसम 250 बच्चे हैं। अभी आप लोग क्या करिएगा? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी यहाँ पर नहीं खुलेगा तो हम ऑफिस में जाएंगे, अब ऑफिस से पंकज सर से बात करेंगे। पंकज सर का क्या इसमें भूमिका है? पंकज की भूमिका है क्योंकि हमारे वही डायरेक्टर हैं आईटीआई का, तो उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोग को? सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, देखिए अपरवाह है वही तो कुछ। अभी कहाँ है? अभी सब वहीं से, वहीं पर हम लोग पूछेंगे, हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे ऑफिस पर। हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँगे? क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग को शांति ढंग से एग्जाम हो। हम लोग आए हैं, पैसा दिए हैं, बढ़िया से अपना एजुकेशन चाहते हैं मिल जाए। कितना दिए थे आप लोग? फी कितना जमा किए थे? फी हम लोग लमसम 3-4 हज़ार रुपया बाकी है 30,000 में से। 30,000 टोटल लगा है? हाँ, 26,000 रुपया एडमिशन हुआ था जिसमें हम लोग 1,000 ये 1,000 मैंने लमसम 30,000 रुपया
टोटल पड़ गया है हम लोग का। नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश राजपूत। कहाँ से है? पड़री। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर का है? सेकंड सेमेस्टर है मेरा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ओनी से की सेशन है। बच्चे हंगामा करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। क्यों हंगामा कर रहे हैं? बच्चे लोग से पूछिए। आप नहीं बताइएगा? नहीं पढ़ाएंगे। फोन नहीं छीन सकते? आपको कौन परमिशन दिया अंदर आने के लिए? फोन नहीं, मीडिया का।